हाँ, उन्हें गोलियों से भूना गया और उनके मृत शरीर यानी उनको शव को कुल्हाड़ियों से काट काट कर बोटी बोटी काटा गया, साथ में और उनके चार शिष्यों को भी। यह बात बिल्कुल सही। पूरी चर्चा करते हैं अभी आपसे। तो आज का विषय हमारा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, उनको उनके चरणों में बारंबार अपना कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मैं पहले आपसे भी एक निवेदन करूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी करते रहें अपने लोगों को, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल पाए। बहुत अध्ययन के पश्चात, बहुत प्रयास करके आप तक कुछ बातों को साझा करना चाहता हूं कि मेरा प्रयास, कि मेरा मेहनत आपको घर बैठे आपको मुट्ठी के अंदर में आपको ये जानकारी मिल जाए। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती उड़ीसा की बात है, और जिनका जन्म हुआ था 1924 में और 82 वर्ष की आयु थी, 82 ईयर्स, जिस दिन उनकी हत्या की गई। यानी मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ही दिन, जब महाराज जी जन्माष्टमी के उपवास रखकर सारा दिन अपने आश्रम में पूजा में तल्लीन थे अपने लोगों के साथ में। 15 हथियारबंद लोग AK-47 के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं और उन्हें वो गोलियों से भून देते हैं। इसके पहले अभी जानना आवश्यक है कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में, अपने साधु जीवन में अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं, उनकी कीर्ति की व्याख्या करना, वर्णन करना हमारे शब्द के बस की बात नहीं है। किंतु फिर भी अपनी जानकारी के लिए बताऊं, जो भी वंचित रहे अपने क्षेत्र में, उस वंचित समाज, जनजातीय समाज, वनवासियों के बीच में वो निरंतर उनके अंदर में भक्ति चेतना का जागरण, स्वाभिमान की रक्षा, युवाओं को मजबूत और शिक्षित बनाने हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण, गोहत्या बंद होने के कारण और अवैध भूमि कब्जा, धर्मांतरण रोकना इनका मुख्य काम था। और वो हमेशा वो टारगेटेड रहे हैं माओवादियों भी धर्मियों और वहां की शाही मशीनरियों के बीच में, जिनका तार भारत से बाहर तक रहा। निरंतर अपने कार्य में डटे रहे महाराज जी। यह जानना आवश्यक है कि तिथि वार मेरे पास सूची है, वीडियो लंबा ना हो, विषयांतर ना हो, मैं उसे सारांश में बता दूं। 20-22 बार उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया गया लगातार। 1970, 1972, 1968 इस तरह से लेते हुए आते आते, और जिस दिन 23 अगस्त 2008 की बात कर रहा हूं, 21 अगस्त को उन्हें चिट्ठी मिली, उन्हें मार दिया जाएगा, अपहरण कर लिया जाएगा और की प्रकार की बातें। लेकिन महाराज जी ने कभी हार नहीं मानी और अपना कार्य निरंतर करते रहे। 3 महीने तक रथ यात्रा निकाली लगातार, जगन्नाथ भगवान की रथ को लेकर लोगों के अंदर में चेतना जागृत हो, भक्ति जागृत हो, उनके अंदर में धर्म का जागरण हो, ऐसा भाव रख के गोहत्या बंद हो और माओवादियों के, ईसाई मशीनरियों के द्वारा अवैध कब्जा, धर्मांतरण, तो इनका मुख्य काम था धर्मांतरण रोकना, और जो धर्मांतरित हो चुके थे उन्हें घर वापसी कराकर, शुद्धि कराकर अच्छे सुंदर सम्मानपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करें, इसके लिए इन्होंने लगातार निरंतर प्रयासरत रहे ऐसे सभी कार्य को। लेकिन वो जो भूमि को एक बार पुनः प्रणाम करना चाहूंगा, उड़ीसा प्रदेश के कंधमाल जिले में फूल बनी ग्राम, यही इनका जन्मस्थल कहें,
कर्मस्थल कहें और अंत तक रहा। इनके हत्या के बाद सारे साधु एकत्रित होकर भुवनेश्वर पहुंचे और 453 साधुओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, धर्म जागरण के लगातार प्रेशर सरकार पर देने के बाद के पश्चात बहुत मुश्किल से 14 लोगों को, नामजद 14 लोगों को यानी नेम एफआईआर किया गया और उन्हें गिरफ्तार की जाती है। 14 लोगों को मुकदमा चला, किंतु हमारा कानून साक्ष्य के अभाव में 14 दोषी बरी कर दिए जाते हैं। भारत जी तो वापस अब नहीं आएंगे। उनके 4 शिष्य अमृतानंद, उनकी एक शिष्य माता भक्तिमयी, किशोर बाबा और पूर्व ग्रंथी, ये 4 की भी हत्या की जाती है। जब अपराधी अंदर आते हैं, भक्ति माता ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। बाथरूम के अंदर यानी शौचालय के अंदर किसी ने, एक किशोर बाबा ने जब वहां जाकर अंदर से बंद किया, दरवाजे को काट दिया गया और अंदर उनकी हत्या की गई। यूपीए की सरकार थी, बहुत करने के बावजूद भी परिणाम तो कुछ नहीं आया। यहां तक कि आज तक सबसे दुखद बात, सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आया किसी प्रकार की उनकी अफसोस व्यक्त करने के लिए या उनसे। केंद्रीय मंत्री उस समय के गए थे वहां यूपीए के, गांव में दौरा किया किंतु आश्रम में जाने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। और यह भी याद दिलाऊं आपको कि महाराज जी ने वेदशाला बच्चियों का, महिलाओं का छात्रावास, उन्हें कृषि कैसे की जाए, कृषि से संबंधित कार्य, ये कई कार्य उनके रहा है जिनकी बहुत लंबी सूची है। और एक कार्य उन्होंने यह भी किया था जो भी बड़ा उल्लेखनीय है, संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी उन्होंने शुभारंभ किया, जिसका कार्य सरकार ने बाद में किया, पहले महाराज जी ने स्वयं किया, उसके बाद सरकार ने इस कार्य को प्रारंभ किया है। तो महाराज जी के बारे में जितनी बोला जाए, महाराज स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी के बारे में, और अंत में मैं पुनः याद दिला दूं कि 23 अगस्त 2008 को श्री कृष्ण महाजन्माष्टमी के दिन उनके निर्मम हत्या की जाती है। AK-47 से गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है और उनके मृतक शरीर यानी शव को कुल्हाड़ियों से बोटी बोटी का टुकड़ा टुकड़ा 36 टुकड़ों में कर दिया गया था, साथ में 49 साधुओं को भी। ऐसे बलिदानी संत को उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज संघ परिवार के जितने भी अनुसांगिक हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक सप्ताह तक, इस कालखंड में, एक सप्ताह के कालखंड में इनका बलिदान दिवस हम मनाते हैं। और मैं आह्वान करूंगा इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, ऐसे बलिदानी संत को हम कुछ कर तो नहीं सकते, अपने पूजन में उन्हें स्मरण कर, प्रणाम कर, उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि हम व्यक्त कर तो अवश्य कर सकते। हिंदू समाज को इन्हें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को, अभिभावक को यह आवश्यक है कि इन चीजों की जानकारी ऐसे संतों, वैसे संतों की तो भी बड़ी लंबी सूची है, चाहे पालघर की घटना हो, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी हो, या
अनगिनत काफ़ी है, लेकिन आज चूंकि महाराज जी की चर्चा करनी थी अभी के समय के हिसाब से, इसलिए मैंने किया। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ उनके चरणों में भी हम जन्माष्टमी भी मनाएं भगवान श्री कृष्ण का, और ये भी प्रदान भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और वैसे बलिदानी संत का आशीर्वाद भी साथ साथ हमें मिलता रहे। तो उनके बलिदान दिवस में सभी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और सनातन संस्कृति की संरक्षण संवर्धन रक्षण हेतु हम भी दो कदम आगे चल पाए, ऐसी भावना लेकर हम सभी आगे बढ़ें। जय श्री राम, वंदे मातरम, और महाराज लक्ष्मण सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि बार बार कोटि कोटि प्रणाम।